anak ko, Liris. तो आज बाइक की लुक देखो किस तरह की लग रही है। आज मैंने बाइक साफ भी की है, कपड़ा वगैरह मारा है, पता नहीं कितने देर बाद मैंने इसे कपड़ा मारा है। और अभी बाइक में एक बार तो है, तो देखते हैं ये एक बार जल्दी ख़त्म होता है या इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि 30 किलोमीटर्स तो अराउंड में बाइक चलाऊँगा आज। तो देखते हैं अभी कितना एवरेज दे देगी बाइक। और प्लान ऐसा है कि आज ना एक ड्रैग रेस करनी है RS 200 के साथ, और पता नहीं कौन सी बाइक होगी ड्रैग रेस में, बट मैं RS 200 के साथ मतलब ड्रैग रेस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो, कुछ लोग पहले स्किप कर देते हैं। आज वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना। मेरे साथ ये रही पल्सर की 220। तो यहाँ पर अपने ग्रुप का एक बंदा मिल चुका है, आगे जाके और हमें ग्रुप के बंदे मिल जाने हैं सारे, तो वहाँ पर फिर ड्रैग रेस स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया। भैया लीन नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं। अभी मैं थोड़ा सा और शॉर्ट लूंगा तो मेरी बाइक तो आगे चली जाएगी। या तो अभी से ड्रैग रेस स्टार्ट हो गई। चल 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 लिमिटर फिफ्थ गियर। यहाँ से कटर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है यार सच्ची में। अरे 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 भाई फुल्ली थोड़ा मूड में चलाते हैं बाइक। पल्सर वाले भैया तो पीछे रह गए, तो हमें यहाँ तक आना था। अब पता नहीं, अरे ऑल्टो शायद आई थिंक स्किट की है, टायर बहुत जोर से स्किट हुआ ऑल्टो का टायर। तो अभी इस तरह के हाईवे पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर कहीं देखते हैं ड्रैग रेस करते हैं कहीं पर। तो गाइस यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास RS 200, आज इसके साथ हम ड्रैग रेस करने वाला है। ये भैया का चैनल है, तो जाके जो सब्सक्राइब करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हम करने वाले हैं ड्रैग रेस, तो देखते हैं। आपको पता तो है वैसे 250 आगे निकल जाते हैं, बट तभी भी हम ड्रैग रेस करेंगे, देखते हैं कौन सी बाइक ज़्यादा आगे जाती है, ठीक है। तो बजाज की है और वो KTM है, ठीक है, Duke 250। तो बाकी कहीं हम पहले रोड्स देखेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ ड्रैग रेस वाली लोकेशन पे। तो गाइस यहाँ पर लग चुके हैं दो बाइक्स, RS 200 और Duke 250, और यहाँ से हम ड्रैग रेस स्टार्ट करेंगे। बस हम ट्रैफिक का थोड़ा वेट कर रहे हैं, ट्रैफिक जैसे कम होता है यहाँ से फिर ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है ना, मतलब गाड़ियाँ वगैरह रोड पे हैं, तो आगे हमने अपने कुछ दोस्तों को रोक दिया, वो आगे रुके हुए हैं, मतलब लोगों को थोड़ा साइड रखें, कोई रोड के बीच में आए बस इसलिए, क्योंकि हम ड्रैग रेस करेंगे, हमें यही रास्ता सीधा मिला और कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ से अभी अपनी ड्रैग रेस स्टार्ट करने वाले हैं, और बिल्कुल धूप ना सर पर पड़ रही है। तो यहाँ पर देख लो ट्रैफिक बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है सच्ची में। मैं थोड़ा सा बाइक को आगे निकलने देता हूँ, क्योंकि मेरी बाइक का ना पावर ज़्यादा है। लिमिटर आ गया, जाए के 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 के। ओ ट्रैफिक ट्रैफिक, और ये देखो कैसे निकल रहा है। हम ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा हो गया सी, बहुत डिस्टेंस हो चुका है मेरे और आरएस के बीच में। आप तो रेस जीत गए, आप तो रेस जीत गए। नहीं यार मैंने देखा सीन क्या हुआ पीछे, पता क्या, जहाँ दो गाड़ी आ रही थी ना, आप निकल गए थे आगे, आपने उस वजह से ब्रेक लगा दी। मैंने ब्रेक थोड़ा जीत गए। चलो फर्स्ट ड्रैग रेस तो अपनी RS 200 जीत गए, अब सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड कहाँ से करें, आते वक्त? हाँ आते वक्त करते हैं, ठीक है ठीक है। चलो इसको क्या हो गया, हाँ तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, फर्स्ट वाली ड्राइव रेस जीत गई है ये। हमारे जो दोस्त खड़े थे ना, वो ऐसे में शॉकिंग हो गए, वो भाई RS कैसे आके निकल रहे जबकि Duke 250 पीछे है। तो कोई बात नहीं, अभी देखते कितना है। मैंने बोल लोगों की बड़ी देखी, कुछ लोग तो मतलब झूठा दिखा देते हैं कि हाँ RS जीत गई, बट ये सच्ची में था कि RS जीत गई। गाड़ी की वजह से ना, ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब पीछे रह गया, वरना बाय द वे मैंने रहना नहीं था पीछे, बट कोई बात नहीं, अभी हम फिर से देखते हैं। अभी तो यही जा रही है आगे,
आपको पता है गाइस। करो आरएस 200 रह गए पीछे, वो खतरनाक वाली रेस। इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक के बीच नहीं हो पाता वो। तो फ्लाई बाय देगा अपने को। ओ भाई गाइस ब्रेक देखा, ब्रेक इसे बोलते हैं कंट्रोल। कोई और बाइक होती ना सच्ची में आज तो निपट गया था तुम्हारा भाई। क्लोज कर गया एकदम से ब्रेक और टायर ऐसे मतलब पूरे स्किट, लेकिन मैंने पूरा कंट्रोल कर दिया बाइक पे। ड्रैग रेस के चक्कर में ना आज सीन हो गया था यार, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे मैंने कंट्रोल कर दिया। और गाइस इसलिए KTM की ना पावर को जाना जाता है, KTM की जितनी अच्छी पावर्स है ना उससे कहीं ज़्यादा तो इस बाइक की मतलब मैं बोलूँ ब्रेकिंग अच्छी है। मतलब इतनी हाई स्पीड पे कितनी खतरनाक ब्रेक हुई यार, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मतलब देखा मतलब पूरा जैसे कैमरे में दिखा होगा कितना खतरनाक सा एकदम से कितना क्लोज और किस तरह ब्रेक की उसके टायर ना एकदम स्किट हुए पीछे से। अब वो तो इंजन स्मेल करता है, इंजन स्मेल करेगा ना इतना तो हीट हो गया होते ना। 147 थी मेरी, पता नहीं कितने में 147 छोड़ोगे खास पेंट कितने भाई। अगर देख रहे कट्स वगैरह में भैया आगे निकल के ठीक है, इन्होंने कट वगैरह मार दिया ट्रक के आगे से, बट मेरे से नहीं हुआ और एकदम से ना ट्रक थोड़ा क्लोज ही आ चुका था। अगर आप वीडियो अच्छी तरह देखोगे तो क्लोज आ चुका था, जिस वजह से मेरे से तो हो नहीं पाया लेकिन भैया ने वहाँ से कर दिया। और देखा जाए विनर आज की है, क्योंकि तीन हमने अटैम्प्ट किए, तीन अटैम्प्ट में ये जीत गई, तो RS 200 विनर है और DU 250 हार गई है। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम पूरी तैयारी करके आएंगे फिर से। तो कैसे भी फाइनली हम राइड करने वाले RS 200, आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम है। उसका क्लच तो बहुत आगे किए हुए भैया ने, पता नहीं क्यों, पर क्लच बहुत आगे है इसका, उस बाइक का। अरे इसकी पिकअप तो बहुत अच्छी है, ये बाइक तो एकदम मस्त है यार, इसकी पावर कितनी अच्छी है। तो ब्रेकिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बाइक मेरे लिए नहीं है, तो ब्रेकिंग में थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी RS 200 अच्छी है, मेरे यूट्यूब पे तो RS 200 के भी फ़ैन है कुछ, क्योंकि RS 200 भी ना बहुत लोगों को पसंद है यार। RS 200 पे ना इजीली देखो कट वगैरह हो जाते हैं, और ड्यूक पे मतलब ड्यूक एक नेकेड बाइक है भाई, जा से क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई गाड़ी वाले को ये देखो। और ये लग रही है अपने ड्यू रोड पे चलते हुए कुछ इस तरह की लगती है। RS 200 में ना कटिंग करने के लिए RS 200 इजी रहती है देखो, और ड्यूक में क्या कि वो नेकेड बाइक है, नेकेड बाइक में ना ज़्यादा कट्स नहीं कर सकते मतलब ज़्यादा हाई स्पीड पे। इस पर तो लीन करने का भी मज़ा आता है। और यहाँ पर मिला हमें DU 250 का फ्लाई बाय। ओ भाई भाई रॉन्ग साइड यार, बाइक ना क्लच बहुत आ गया, पता नहीं क्यों क्लच बहुत आगे रखा हुआ है भैया ने। और यहाँ पर लगाते हैं बाइक्स। इसका क्लच कितना आगे क्यों रखा है, इसका क्लच की एडजस्टमेंट बहुत आगे है। हाँ ये क्लच बहुत आगे है, पता नहीं क्यों, हाँ बहुत आगे है इसका। और RS 200 बहुत अच्छी है यार, मैं तो उस बाइक का भी फैन हो गया सच्ची में। और रिंग लाइट देखो कितनी प्यारी लग रही है इस बाइक में, ड्यूक तो है ही प्यारी, ये तो ऑलवेज किंग है। इसमें थोड़े वो ना मच्छर वगैरह लग गए थे हाईवे पर ना, एकदम से वाइजर पे मेरे अभी ना मर्डर हो चुके हैं दो तीन, तो मैं अभी दिखा नहीं सकता मेरे वाइजर पे है, मतलब मच्छर वगैरह जोर से हीटर लग गया ना ऐसे खून सा हो गया। तो भैया आए थे, इनके चैनल का नाम यहाँ पर है AK Form JK, ठीक है AK Form JK
कुछ अलग ही नाम है यूट्यूब पे, तो आप रिसर्च कर सकते हो, वीडियोस वगैरह भी डालते हैं। और पल्सर 220 इनके पास, ये तो लेजेंडरी बाइक है। और अपनी बाइक का मस्त रिएक्शन मिल रहा है अभी, भैया यहाँ पर गाड़ी लेके रुक चुके हैं और बोलते हैं कि फोटो लेना बाइक से, और अपनी ड्यू के साथ रिएक्शन मिल रहे हैं। अपनी ड्यू जहाँ भी जाए अलग ही लगती है सबसे। रील बनाना कोई आसान काम नहीं है। अभी देखो यहाँ पर रील शूट की जा रही है, और कितना मतलब मेहनत लगती है रील बनाने में। मैंने तो बाइक अभी रोड पर ही करती थी। अगर आप रील देखना चाहते हो मेरी, तो इंस्टाग्राम की आपको आईडी अभी मेंशन हो रही होगी, वहाँ जाकर मेरी रील देख सकते हो। अगर आप फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो भी कर सकते हो। वैनी अभी यहाँ से रील वगैरह शूट करके निकलते हैं, और अपने साथ देखो पेड़ हैं छोटे छोटे आजकल हाईवे पे, ये भी ज़्यादा बना रहे हैं लोग, जैसे ठंडी हवा भी रहे, क्योंकि इतने पोल्यूशन में ठंडी हवा मिलती ही नहीं है। और यहाँ पर ब्रिज से आप व्यू देख सकते हो, पानी जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे साइलेंट जगह ना, कोई ज़्यादा शोर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मतलब एक मज़ा आ रहा है सिर्फ सुनने का। अभी तो बाइक की साउंड आ रही होगी सुनने में आपको, अब पानी की आवाज़ आ रही है सीधा। बहुत रिलैक्स सा फील होता है ऐसी जगह पे बैठ के, बिल्कुल बंदा माइंड फ्री हो जाता है एकदम से।